परवाणु शहर में कई वर्षों से पेयजल आपूर्ति के लिए कौशल्या नदी पर बन रहे डैम का कार्य अधूरा रहने से स्थानीय वासियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसके कारण लोगों में हिमुडा के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है। डैम का कार्य अधूरा रहने से न केवल इस प्रोजेक्ट की लागत बढ़ रही है, वहीं समय पर कार्य पूरा न होने से अब तक जो भी कार्य हुआ है उसको भी लगातार खतरा बना हुआ है। नगर परिषद परवाणु के पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान वार्ड नंबर 6 पार्षद ठाकुर दास शर्मा भी हैरान है कि उनके कार्यकाल के अंतिम वर्षों में जो डैम का कार्य हुआ था उसके बाद से कोई कार्य इस पर नहीं हुआ है। मैं पिछले 2019 में पोस्टर एलएम होना था। अच्छा सर, ये जो कौशल्या चेक डैम रिवर बन रहा है आपका था, ये कब से काफ़ी टाइम से पेंडिंग है और कब से इसका प्रोजेक्ट अलॉटमेंट हुआ और ये कब खत्म होना था और ये कितना करोड़ का प्रोजेक्ट था, ये अभी क्यों कंप्लीशन नहीं हो रहा, ये क्या रीज़न है इसके? ये दो पार्ट्स में काम दिया गया था, एक चेक डैम का था, एक इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइनों का था, लेआउट ऑफ रिले करनी थी, नई लाइन अपग्रेड कर रहा था इसको, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी था और राइजिंग लेन भी था। तो उसमें 3.5 करोड़ का काम चेक डैम का था और 3.5 करोड़ का काम इसका लाइन का था, इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर सप्लाई लाइन। तो उसमें से चेक डैम का काम अभी तक 272 लाख का हो चुका है। उसमें से 3 गेट रहते हैं लगाने के लिए, जो मेन गेट है, छोटे गेट लग चुके हैं और 3 गेट लगाने के लिए था, लेकिन अभी तक बीच में कुछ जैसे इसमें फट जाते थे, फिर बीच में ये भी हो गया, लॉकडाउन भी हो गया, तो उसकी वजह से भी ये थोड़ा डिले हो गया। लेकिन अब पीछे उसने डैक का काम किया था, उसको नोटिस वगैरह दिए, तो उसने डैक का काम किया भी है, 20 लाख का काम किया भी था उसने। अब उसको फिर नोटिस, उसने चेक डैम पर जो गेट है वो डिज़ाइन करा के, प्राइवेट से डिज़ाइन करा के लाया था, हमने कहा था कि उसको बेट कराओ, वेरीफाइड कराओ, या पैक चंडीगढ़ से कराओ या NITIA से, वो उसको लेके दे दिया है। अभी तक मैं पीछे चेक करने गया था तो वहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, फिर उसको चिट्ठी लिख दी मैंने, नोटिस दे दिया कि उसको लेके जाओ ताकि मैं उसको चेक करूँ। बाकी रही अपग्रेडेशन की, जो लाइनों का काम है वो भी नियर अबाउट खत्म हो चुका है, उसमें भी 2-4 लाख का काम रहता है करने को, वो कुछ लाइनें जोड़ने को रहती हैं, वो भी हम अभी वेरी शॉर्टली वो जुड़ जाएंगे। उसको भी नोटिस दिया था हमने ठेकेदार को, वो वरिंदर शर्मा जी कर रहे हैं, यहाँ के लोकल परवाणु के हैं, कॉन्ट्रैक्टर सेक्टर 4 में रहते हैं, उसका भी काम थोड़ा बहुत ही रहता है उसका, तो वो भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा। बस सर, आपकी फर्दर एक्शन क्या रहेगा इसके कंप्लीशन के लिए? कंप्लीशन के लिए हम तो ये चाहते थे कि इस गर्मियों में पानी दे, लेकिन वी आर वेरी सॉरी कि वो कर नहीं पाए, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से ढील रहेगी, वो कुछ हाथ नहीं आता उसको। अब हमने नोटिस दिया, तगड़ा नोटिस दिया कि जल्दी कर, नहीं तो उसको पेनालाइज किया जाएगा। मैं ठाकुर दास शर्मा, एक्स चेयरमैन MC परवाणु, और मौजूदा मैं MC हूँ यहाँ और कसौली ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष भी हूँ। ये जो पानी की स्कीम थी, ये लगभग 2012 के आसपास इसका पैसा आया था, 7 करोड़ के आसपास था, तो उसमें से 3.5 करोड़ उस टाइम आया था। तो उस पैसे को हाउसिंग बोर्ड को, नगर परिषद ने, UD का पैसा था, तो नगर परिषद ने जो था वो पैसा हाउसिंग बोर्ड को ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड ही पानी की स्कीम देख रहा था, तो उनके पास साधन भी ज़्यादा थे, इसको स्टाफ वगैरह भी ज़्यादा था, इस करके नगर परिषद ने फैसला लेके उनको दिया। और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इसको, जो सीवरेज की लाइन, इसकी पानी की लाइनें नई बदली इन्होंने, और साथ ही इन्होंने उसको पानी को उठा के वहाँ पर उसका प्योरीफाई करने के लिए बड़ा अच्छा सिस्टम लगाया हुआ है, सारा कुछ ठीक है। लेकिन जहाँ तक डैम का सवाल है, जो मेन सिस्टम था वो डैम जो है, जहाँ लगभग 3.5 साल पहले हमारी सरकार बदलने के बाद जो था वो जहाँ है वहीं खड़ा है, उसके जो गेट लगने थे और पानी को स्टोरेज करने का सिस्टम था वो शुरू नहीं हुआ। हमने 2-4 दफ़ा हमने हाउसिंग बोर्ड को मिल के भी बात की है कि इसको शुरू किया जाए, लेकिन क्या कारण है ये तो हाउसिंग बोर्ड वाले ही बेहतर बताएंगे। और अगर ये नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में जो ये स्कीम जो है बिल्कुल फेल हो जाएगी हमारे हिसाब से। तो हम चाहते हैं कि इस स्कीम को जितना जल्दी शुरू किया जाए, डैम कंप्लीट हो जाए, स्कीम तो चलिए लोगों को पानी की हम दिक्कत नहीं है, सिर्फ 1 महीना गर्मियों में 2 महीने आती है, वहाँ सोर्सेज अच्छे हैं, लेकिन अगर एक डैम कम्प्लीट हो जाता है, देखने को डैम लगे, ये तो देखने को भी ऐसा लगता है जैसे किसी नाले से पानी उठा के परवाणु को भेजा जा रहा है। तो हमारी तो सरकार से भी ये गुजारिश है, इसको जितना जल्दी हो इसे कंप्लीट किया जाए,
ताकि ये हमारे 2012 में कांग्रेस के टाइम में पैसा आया था, हम चाहते हैं कि भी इसको कंप्लीट हो तो लोगों को इसका पूरा फायदा मिले। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए परवाणु से कुलदीप कृष्ण की रिपोर्ट।